द मॉल एक हॉरर फिल्म है और मेरा किरदार एक मॉल के अंदर सिक्योरिटी ऑफिसर का है, तो वहाँ की सिक्योरिटी देखता है। एक ऐसी रात जब ये ड्यूटी पे है और जहाँ पर कि किसी नाइट क्लब की जो है वो ओपनिंग है, उस रात को अचानक चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और ये ड्यूटी पे है और ये एक ऐसा इंसान है जो भूतों में प्रेतों में विश्वास नहीं करता है और किस तरीके से कहानी आगे जाती है वो है डायरेक्ट द मॉल। क्योंकि मॉल आजकल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आई थिंक एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाते हैं, चाहे उन्हें खाने के लिए, चाहे फिल्में देखने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए। तो मॉल का वो एक हसल बसल वाला और भरे हुए मॉल का रूप तो लोग रोज़ देखते हैं। अब एक ऐसा मॉल इसमें कि किस तरीके से ये कुछ लोग जो हैं फंस जाते हैं और क्या क्या होता है, बहुत डर आएगी। मैं हॉरर फिल्में बहुत देखता हूँ। अगर मैंने जब फिल्म देखी जिसको कि स्टोरी पता है, उसको अगर बहुत सारे सीक्वेंसेस में झटका दिया इसने तो डेफिनेटली डर आएगी। बहुत अच्छा लगा, किसी पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लगा कि उनकी पहली दूसरी तीसरी फिल्म है। सब ने बहुत अच्छा काम किया है, सब ने अपने अपने किरदार को निभाया है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से पवन ने और उनकी टीम ने इन किरदारों को चूज़ किया है, क्योंकि इनका जो बैकड्रॉप है, जिस तरीके से कहानी से जुड़े हुए हैं, उसके लिए इनकी एक पर्टिकुलर लुक चाहिए थी, एक पर्टिकुलर इनका जो है वो इनके मैनरिज्म्स चाहिए थे, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन किरदारों को चूज़ किया है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल की हॉरर फिल्में देखना पसंद है, जिस तरीके से आप बाहर की हॉरर फिल्म जाके देखते हैं, इन्जॉय करते हैं, तो आप प्लीज़ जाइए। डर एट द मॉल 21 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ देखिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉइंट्स पे एक्चुअली बहुत डर लगता था, बिकॉज मॉल जितनी बड़ी जगह है और जितनी ज़्यादा वहाँ एम्प्टी स्पेसेस होती है, उससे और डर लगता है कि यहाँ से लेफ्ट राइट जाऊँ तो कौन है, क्या है, और पता नहीं कैसे की फीलिंग आती है कि कोई है, कोई पीछे से कुछ आ रहा है, क्योंकि देयर सो मच स्पेस अराउंड कि अकेले तो मैं वहाँ घूम ही नहीं पाती हूँ। तो ऑन द होल लाइफ स्पेंड सम 25-30 नाइट्स इन अ मॉल, ऑल नाइट शूटिंग, जो मैंने आज तक लाइफ में नहीं किया। तो इट्स बिन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा। कि पहले दिन पे मैंने बोल दिया था कि सर मुझे आपकी ये फिल्में पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और ही हैज बिन वेरी हेल्पफुल। देयर आर टाइम्स वेयर मैं एक शॉट के साथ स्ट्रगल कर रही थी एंड ही सेड आप ये ट्राई करो, आप शायद ये ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। बट हाँ, मुझे बहुत क्यूरोसिटी है कि जब आप एक हॉरर फिल्म में फियर के एक्सप्रेशन करते हो, मेरे हिसाब से आप वो रिहर्स नहीं कर सकते, आप वो एक्ट आउट भी कैसे करोगे? मतलब वो एक एक्सटर्नल चीज़ होती है जो आप से ये इमोशन बाहर निकलवाती है। तो आई डोंट नो हाउ टू रियली डू अ हॉरर फिल्म एंड दैट वाज अ चैलेंज व्हिच आई थॉट मौका मिला तो कर लेते हैं लाइफ में, पता नहीं आगे जाके मिले। तो जस्ट मुझे कुछ अलग करना था एंड दिस वुड बी कि 21 फरवरी को मेरी फिल्म रिलीज़ होगी डर एट द मॉल। चाहो तो अपने पास के मॉल के थिएटर में जाके देख लो, और फिल्म देखने के बाद जब लाइट्स बंद होगी मॉल की तो वो फेयर एक्सपीरियंस भी कर लेना, बट जाना जरूर।